भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेगा भारत। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया, समझौते में बदलाव का नोटिस दिया गया है। और आतंकवाद पानी साथ साथ नहीं, पाकिस्तान को पानी देने पर फैसला लेगा भारत। ये जानकारी आपको दे दें, भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है और ऐसे में ये कदम उठाते हुए इस नोटिस में मुख्य तौर पर उन बातों का जिक्र है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान जल समझौते से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु जल समझौते की समीक्षा को लेकर ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को लेकर अब आगे काम किया जाएगा। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, अनामिका। बड़ी खबर दरअसल ये कि जहां पे भारत ने पाकिस्तान को नोटिस दिया है, बीते काफी महीनों से, काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की जा रही है और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा नए सिरे से जो समझौते हैं, जो पहले के करार चले आ रहे, उसको लेकर के अब सरकार की ओर से स्ट्रेटजी बनाई गई है और ये कहा गया है कि आतंकवाद और पानी अब साथ साथ नहीं, पहले बातचीत हो या फिर पहले तय हो जाए कि आखिर करना क्या है। लिहाजा पाकिस्तान को पानी देने को लेकर के फैसला जो होगा वो सरकार की ओर से लिया जाएगा, तय किया जाएगा कि पानी देना या नहीं देना है, कितना देना है, या फिर जो जल समझौता चला आ रहा है बीते काफी सालों से, उसको लेकर नए सिरे से यहां पे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी सरकार की ओर से। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को यह नोटिस दिया है और समझौते पर यह बड़ी खबर है। सिंधु जल समझौते की समीक्षा भारत करेगा। भारत ने पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है, समझौते में बदलाव को लेकर यह नोटिस है। दरअसल आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं, भारत ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान को पानी देने पर अब बड़ा फैसला लेगा भारत। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान को पानी देने के लिए भारत सोचेगा। आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकी गतिविधियों को लगातार पाकिस्तान की तरफ से अंजाम दिया जाता है, इसलिए उसको आतंकिस्तान कहा जाता है। और पाकिस्तान को पानी देने पर अब भारत ने कहा है कि फैसला लिया जाएगा। भारत ने समझौते के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, उसमें मुख्य तौर पर बातों का जिक्र है। और यहां पर आपको बता दें, सिंधु जल समझौते की समीक्षा को लेकर अब भारत फैसला बड़ा करने जा रहा है और ऐसे में यहां पर सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि आतंकवाद और पानी दोनों साथ साथ नहीं चल सकता है, कहीं पर किसी एक को लेकर तो समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है आतंकी गतिविधियों को लगातार अंजाम देता है, उसको रोकने में कहीं ना कहीं वो नहीं सफल साबित हो रहा है या जानबूझकर किया जा रहा है, जो भी है। लेकिन आपको बता दें, भारत ने दो टूक कदम उठाया है। तो सवाल दरअसल ये कि क्या पानी को तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने तो जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई है, रणनीति बनाने की बात कही जा रही है, मीटिंग की जाएगी, जो एक पहले से चली आ रही परंपरा है उसको तोड़ करके अब नए सिरे से समझौते को लेकर के स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी, इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और अब यहां पे दरअसल जो बड़ी खबर यहां पर यह है कि अब इस फैसले को लेकर कितना असर इसका दिखाई देगा, सीधे रुख करते के सिन्हा जी का। के सिन्हा जी, जो देख रहे हैं आप, जो समझ रहे हैं आप, क्या भारत ने इस मुद्दे को लेकर बड़ी सख्त रणनीति अपनाई है और ये कहा है कि हम पहले सोचेंगे, विचार करेंगे, मंथन के बाद फैसला लेंगे कि पानी देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो पाकिस्तान के साथ हमारा है, उसमें जो नदियां हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी नदियां हैं जिसके कारण भारत का जो बहुत बड़ा जो पानी की मात्रा है वो पाकिस्तान में चला जाता है और वेस्ट जाता है। ये नहीं कोई कि हम अपर रेपरिन स्टेट होती है जहाँ से पानी निकलती है और दूसरे देश में जाती है, तो इंडस है, यदि आप ऊपर से नीचे लिखिएगा देखिएगा, तो उसके बाद झेलम आता है, चिनाब है, रावी है और उसके बाद सतलज है, और ये सारी नदियाँ जा करके इंडस रिवर जो कि ऊपर से निकलती है उसमें मिलती हैं। तो इन पांच नदियों के अंदर में से जो तीन मेजर नदियां हैं, जिसमें इंडस है जो मेन जो है, झेलम है और रावी है, जो रावी इनकी जो वाटर है वो जाती है पाकिस्तान में, उसको 100% चला जाता है। जो बाकी बचे हुए जो हम तो यूज करते हैं, मगर इन नदियों की जो जल है वो पाकिस्तान में जाती है। जो सतलज है, सतलज हमारे पास है, ब्यास हमारे पास है, और यदि आप देखें तो दो बड़ी नदियां हैं। तो खास करके ये हमारे लिए बहुत, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे लिए बहुत ये रहा है, क्योंकि हम कम पानी रखते हैं और पाकिस्तान में ज्यादा देते हैं, और ये जब भी बनाया गया था ये एब्सोल्युटली बायस्ड है टुवर्ड पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसको हरदम चाहता है। इसलिए आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो चाहता है कि नदियों को ले लें, यदि वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर दावे ठोकता है, तो मेन मुद्दा वही है कि वो पानियों को साथ लेना चाहता है। तो ये वाटर वॉर जो हम कहते रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि
कि पाकिस्तान के साथ हमारी अपर रेफरेंट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर में से ज्यादा मात्रा में पानी हम इनको छोड़ते हैं, और हमारे यहाँ जब नदियों का हम जब करते हैं, हम ज्वाइनिंग करेंगे, खास करके भाखड़ा निर्मल डैम जब आया है, हमारे कैनाल सिस्टम है, हमें पानी की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ बिल्कुल केके सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आखिरकार कौन कौन सी नदियां इसमें शामिल हैं, लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकता। भारत ने ऐसी टिप्पणियां पहले भी कई बार की हैं, क्योंकि सरहद पर पिछले कुछ महीनों में लगातार देखा गया है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादे दिखा रहा है। एब्सोल्युटली सही बात है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हम सब चीज पाकिस्तान को देख, हम पाकिस्तान को पानियां देते थे, हम उसको मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का स्टेटस दे रखे थे, जिसके कारण उसको और जिसको हमने बंद किया, जो हमने कहा कि टॉक एंड टेरर, खास करके 2016 के बाद कांट गो टुगेदर, आप टेरर करते रहे हमारी धरतियों पे, हमारे लोगों के ऊपर में, आप वो जो करते रहे और हमसे सब छूट लें। बिल्कुल, हम सब सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन वहां से हमले हो रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा सर, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर जनरल एके सिवाज सर के पास भी चलते हैं। सर, जिस तरीके से अब भारत ने कड़ा फैसला लेने का मन बना लिया और कहा है कि अब सीधा सिंधु नदी पर विचार करेंगे किस तरीके से आगे समझौता करना है, और इसको लेकर नोटिस भी थमा दिया है 30 अगस्त को, ऐसे में क्या आतंकवाद को रोकने का यही एक तरीका है जब पाकिस्तान प्यासा रहेगा, पानी के लिए तरसेगा? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि 1960 में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी और ये एक प्रकार से ब्रोकेड कराई गई थी वर्ल्ड बैंक की, ये ट्रीटी भारत ने बहुत लार्ज हार्ट दिखाया था, और ये ट्रीटी जो बायस थी पाकिस्तान की तरफ, और 4 युद्ध हो चुके हैं और भारत ने कभी भी पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं रोका। ये सच्चाई है कि देश एक इस टाइप का भी है जो कि वो अपर रिवाइन है, मगर जो नीचे नदियों के पास पानी जाता है पाकिस्तान को देते रहे। ये अगर आप देखें, ये 6 नदियां हैं, जो ईस्टर्न नदियां हैं वो ब्यास, सतलुज और रवि हैं, उसका पानी भारत 100% इस्तेमाल कर सकता है एज पर द ट्रीटी, और जो वेस्टर्न है जो इंडस, झेलम और चिनाब, उसका हम 20% यूज कर सकते हैं, 80% जो जाता है पाकिस्तान में। मगर सच्चाई है कि ना तो हम ईस्टर्न नदियों का 100% पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और ना ही हम जो ये इंडस, झेलम, चिनाब है, जिसका हम 20% का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बनस्पत हम पानी को रोके नहीं। तो ये जो सच्चाई है कि भारत बहुत बड़ा दिल दिखा के पाकिस्तान को पानी दे रहा है, पानी को कभी रोका नहीं, और ये जो ट्रीटी है ये बायस है पाकिस्तान की तरफ, और हमने कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया कि हम पानी रोके, मगर पाकिस्तान पानी भी ले रहा है और टेररिज्म भी कर रहा है। तो ये सच्चाई है, इसके अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 3 में 1960 की जो ट्रीटी है कि आप रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने अभी इसको नोटिस दिया है, रिव्यू करने को लेकर सरकार ने अब अपना मन बना लिया। दरअसल कहा भी जाता है कि जो पड़ोसी है उसको बदल नहीं सकते, लेकिन रिश्ते कैसे रखने हैं आप ये जरूर तय कर सकते हो। शायद भारत भी वही कर रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो हरकतें हैं बीते कुछ दिनों से वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, लिहाजा भारत की ओर से नई रणनीति पाकिस्तान को लेकर।